शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है शिक्षा वो सुंदर शब्द है जिससे एक कली एक सुंदर फूल और एक छोटा बच्चा एक कलेक्टर एक पायलट या एक डॉक्टर बनकर बड़ा व्यक्ति बन सकता है नमस्कार मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं द पिके टाइम्स दरअसल द पिक्के टाइम्स की टीम पहुंची है राजस्थान के चूरू ज़िले में हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का चूरू ज़िला या तो सबसे ज़्यादा गर्मी के लिए जाना जाता है और या फिर सबसे ज़्यादा सर्दी के लिए लेकिन टाइम्स की टीम पहुंची है आपको चूरू के इन दो चीज़ों के अलावा उस व्यक्ति से रूबरू करवाने या उस शख्सियत के बारे में बताने जो यहाँ पर शिक्षा के लिए एक बड़ी और एक बहुत अच्छी पहल कर रहा है और न सिर्फ़ आज बल्कि काफ़ी वक्त से उनकी ये पहल काफ़ी सराहनीय रही है और आज उन्हीं की वजह से यहाँ पर कई बच्चों को शिक्षा हासिल हुई है जी हाँ दरअसल हम बात कर रहे हैं चुरू ज़िले के कांस्टेबल पद पर तैनात धर्मवीर जाखड़ की जी हाँ उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस जगह पर ये शिक्षा आ, जिसका नाम रखा गया है आपणी पाठशाला जी हाँ ये चूरू जिले के कुछ ही दूरी पर स्थित है अपनी पाठशाला आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये झुग्गी झोंपड़िया बनी हुई है और आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही थी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों को अपने सपनों को साकार करने का जो है वो मौका मिल रहा है तो चलिए आपको सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्लास चल रही है वहाँ पर आपको इन सारे बच्चों से भी बातचीत करवाएंगे यहाँ पर जो टीचर है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो संस्थान है वो संचालित हो रहा है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं नमस्कार सर क्या नाम है आपका चांदना अच्छा और सबसे पहले तो मैं ये आपनी जो है उसके बारे में जानना आपनी में जो और जो विचलित है शिक्षा से उन बच्चों को पढ़ाते हैं जी। कोई दायरा नहीं है शिक्षा मतलब कोई शिक्षा के बारे में इनको कुछ भी अनुभव नहीं है उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छा और आप कब से हैं यहाँ पर मैम नौ महीने हो जाएंगे नौ दस महीने अच्छा और जब आप यहाँ पर पहुँचे तो एक कैसा माहौल आपको मिला माहौल बहुत अच्छा था मैम हमारे को तो ऐसा लगा कि मतलब जैसे पढ़ाने का मन इनके साथ ऐसे जुड़ा जुड़ाव हो गया कि बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला इन्हीं से अच्छा और ये बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं ये सारे यहीं से हैं कुछ एमपी से है कुछ, से, कुछ मतलब बाहर से भी है कुछ उत्तर प्रदेश से भी है बिहार से भी है अच्छा और एक जो शिक्षा का यहाँ पर नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है आपको क्या लगता है किस तरीके से जो बच्चे है इससे लाभान्वित हो रहे हैं हो रहे हैं मैम बहुत कुछ होगा आगे अभी तक तो, तो शुरुआत है आगे देखते जाए बहुत कुछ बदलाव भी होंगे इनमें जी और इन्हीं में से कुछ ना कुछ कोई कलेक्टर भी बनेगा कुछ पॉलिटिक में जाएगा जी बिल्कुल आप क्या करते हैं मैम मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ किस ड्रेस की एस आई की अच्छा आप एस की तैयारी भी कर रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं तो चलिए बच्चे से भी जानते हैं हम यहाँ पर कि उन्हें कैसा लग रहा है उनका अनुभव कैसा है तो चलिए कौन बोलने वाला है आप बताइए यहाँ के बारे में बताइए यहाँ पे मुझे आकर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत मैं पहले डॉक्टर में पढ़ते वहाँ पे पढ़ाई नहीं थी इतनी अच्छा और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिली आप कब से हैं यहाँ पर मेरे को तीन चार महीने हो गए अच्छा तीन चार महीने हो गए आपको यहाँ पर और यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको पढ़ाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है आप बताइए आप बोली क्या नाम है आपका मिनाज मिनाज अच्छा और आपको यहाँ कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगता है कौन सी क्लास में आप चौथी अच्छा और यहाँ पर पढ़ाई का कैसा आपको एक माहौल मिल रहा है आप यही आसपास रहती हैं हाँ अच्छा और क्या करते हैं पापा कुछ नहीं करते हैं अच्छा और यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा मिलती है बहुत कुछ मिलता हमें जैसे कपड़े ड्रेस हर चीज मिलती है अच्छा खाना भी आपको यही मिलता है हाँ. अच्छा। और स्कूल टाइम क्या है आपका सात बजे का सात बजे से हाँ और एक बज तक सात बजे से एक बजे तक अच्छा तो चलिए यहाँ पर इन बच्चों से भी जाने की हमने कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है और यहाँ पर यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं वो जो जिस बच्ची से हमने बातचीत करने की कोशिश की है वो ये बता रही है पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी लेकिन यहाँ पर उसे जो शिक्षा का एक माहौल मिला है वो उसके लिए काफ़ी शानदार रहा है तो चलिए हम आगे भी और जो क्लासेज हैं उन बच्चों से भी जाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए यहाँ पढ़ने का अनुभव कैसा है और साथ ही साथ जो पहल यहाँ पर की गई है न ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो शायद शिक्षा प्राप्त करने का जो सपना है वो शायद छोड़ चुके थे लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो धर्मवीर जाखड़ है उनकी ओर तो से ये पहल करने के बाद न जाने कितने बच्चों को शिक्षा का जो अवसर है वो मिला है तो चलिए हम यहाँ पर भी जो है टीचर और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो हम टीचर से ये जानेंगे कि ये कौन सी क्लास है जी आ, क्या नाम है आपका अशोक कुमार नाम है सर मेरा अच्छा और ये कौन सी क्लास है ये थर्ड और फोर्थ दोनों है अच्छा हाँ और सबसे पहले तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगी यहाँ पर किस तरह से आना हुआ जी यहाँ तो मेरा बहुत पुराना साथी है जी। जिनके संपर्क से मैं आया पहले तो मैं दो से दो तीन स्कूल में पढ़ा चुका पहले अपने गांव में पढ़ाता था, था और फिर मैं राजस्थान स्कूल फतेहपुर में चला गया और अब यहां पर आ गया जी यहां पर आने के बाद मुझे यह पता चला कि जो बड़े बड़े स्कूल वाले पढ़ाते हैं वो केवल अपने मतलब के लिए पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने में पढ़ाना नहीं है बल्कि वो ऐसा है कि इनको रटा दो और हटा सिर्फ है उनको परसेंटेज बनवाने है। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है बच्चा कैसे व्यवहार करता है क्या सीखता है इससे कोई मतलब नहीं है मतलब यहाँ शिक्षा के साथ साथ काफ़ी अच्छे संस्कार भी बच्चों में दिए जाते, है। जाते हैं दिए जाते हैं यहाँ पर हैस्त कौशल सिखाए जाते हैं यहाँ पर पाठशाला में बैंड की व्यवस्था भी है इनके लिए इनके लिए जो स्पीकर्स होते हैं उनकी व्यवस्था भी है जो गाना गाना चाहते हैं जो कोई कविता बोलना चाहते हैं या फिर अगर डांस करना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए हर सैटरडे को रखा जाता है अच्छा। और ऐसे कंपटीशन भी इनके दो तीन हो चुके हैं और एक इनके संस्कृति से जुड़ा हुआ एक एग्ज़ाम भी हुई थी इनकी जिनके सर्टिफिकेट वहाँ ऑफिस में पड़े हैं कई बच्चों ने भाग लिया था उसमें टीचर्स ने भी भाग लिया था उनकी टीचर्स के पहले हो चुकी थी यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि असल में पढ़ाई जो है वो सिर्फ़ किताबी ज्ञान से नहीं है बल्कि संस्कार देने से पढ़ाई होती है तो यहाँ पर बच्चे जो आते हैं वो लगभग कितनी दूर से पहुँचते हैं उनके यहाँ आने का जरिया क्या होता है ये बच्चे जैसे यहाँ से कई बच्चे ऐसे हैं जो दो तीन किलोमीटर दूर से भी आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आस पड़ोस के झुग्गियों में से आते हैं जो दूर के बच्चे हैं दूर दराज के हैं उनमें तो सुबह जैसे पाठशाला का टाइम आठ बजे से है तो उनको सात बजे ही वैन के द्वारा और एक मैजिक वाला टैपो लगा हुआ है उनके द्वारा लाया जाता है उसका इनसे कुछ नहीं लिया जाता और न इनको इस कोई मतलब है खुद पार्टस वाला पूरा का पूरा खर्चा वैन करती है और जो पास वाले हैं ये पैदल चले जाते हैं और पैदल आ जाते हैं इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पटरियों के उस, उस पार से आते हैं तो वो उनकी माँ जी या पिताजी उनके छोड़ जाते हैं यहाँ पर और फिर जब छुट्टी का टाइम उनको बताया गया तो वापस लेके चले जाते हैं तो यहाँ पर पढ़ाने के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी भी होती है यहाँ पर हर सैटरडे को इनको खेल खिलाए जाते हैं जिसमें इनके लिए पूरा का पूरा खेल की सामग्री पड़ी है चड़ी इनके लिए पड़ा है और बाले भी इनके लिए हैं और जो गोले फेंकते हैं वो गोले भी इनके लिए पड़े हैं क्रिकेट की किट पूरी किटूरी की पड़ी है रस्सियाँ जैसे लड़कियाँ ज़्यादा रस्सियाँ खेलना पसंद करती हैं तो रस्सियाँ पड़ी हैं इनके लिए और डिस्क पड़ी है फेंकने के लिए और तो ये अपना जो खेल खेलते हैं जैसे खो खो है या फिर क्रिकेट इनका जो खेल रहता है उछलना कूदना यही रहते हैं। आसपास जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनसे उन सभी जगह से जो है ये बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में शिक्षा को लेकर कई सारे भ्रम भी हो सकते हैं तो उस भ्रम को आप यहाँ पर कैसे दूर करते हैं उन्हें किस तरीके से जो है शिक्षा को लेकर जागरूक करते हैं न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके परिवार को भी देखिए इन के परिवार में उन और इन बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना जो ये करते हैं वो ये है कि ये जब छोटे छोटे होते हैं तो इनको सड़कों पर या फिर आसपास के घरों में मांगने के लिए भेज दिया जाता है और वो नहीं मानते कि शिक्षा से हमें इन बच्चों को सफल कर पाएंगे वो यही सोचते हैं कि हमें अगर इनको मांगने के लिए भेज दें या फिर कुछ भी जैसे बाल श्रम करने के लिए किसी दुकान में लगा दें तो उससे ये दो पैसे कमा लेंगे लेकिन जैसा कि इस पाठशाला के जो संस्थापक हैं श्री धर्मवीर जी जाखड़ उन्होंने शुरुआत में बहुत प्रयत्न किए तीन चार परिवारों को समझाया फिर वहाँ से आठ दस बच्चे जुड़े तो इस तरह से चलते चलते अब इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आती है कि ये भूतों में ज़्यादा विश्वास करते हैं और हम इनको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताना चाहते हैं कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो इस भ्रम में मत रहो और सबसे ज़्यादा जो है वो इन बच्चों में क्या सभी पूरे हिंदुस्तान में ये है जो अंधविश्वास और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अंधविश्वास से बचे रहें ठीक है आस्था अपनी जगह है लेकिन अंधविश्वास तो गलत ही है तो चलिए यहाँ हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पर पढ़कर अच्छा लग रहा है क्योंकि आज कई स्कूल संचालित हो रहे हैं लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और ये वही बच्चे हैं जो आसपास झुकी झोपड़ियों में रहते हैं कहीं ना कहीं आज से जब ये पाठशाला बनने से पहले वो मजबूर थे कि वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं और पढ़ने का जो एक बड़ा जो जरिया है वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा था लेकिन जब यहाँ पर बच्चे पहुँचे तो उन्हें कैसा लगा कैसा अनुभव फोन रहा तो चलिए आपसे जानते हैं क्या नाम है आपका मनीषा 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 आप कब से आ रही है यहाँ पर दो साल से दो साल से आप यहाँ पर पढ़ रही है कौन सी क्लास में तीसरी अच्छा और आपको यहाँ पढ़कर कैसा लग रहा है अच्छा अच्छा क्या क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पर क्या क्या मतलब आपको यहाँ पर खेल खेलवाया जाता है यस yes, मैम जैसे यस yes, मैम कौन सा गेम खिलाया जाता है यहाँ पर आपको खो अच्छा और बड़े होकर आप क्या बनना चाहती है में जाना चाहती है अच्छा पुलिस में जाने का कैसे सोच लिया किससे इंस्पायर हुई किसी ने प्रेरित किया आपको या पुलिस वाले को देखा तो आपको लगा मुझे भी पुलिस में भी जाना है यस अच्छा और आप बताइए आपका क्या नाम है आलिया आलिया नाम है और आप कहाँ रहती है यहीं आस पास रहती है तो फिर आप यहाँ पर कैसे आती है वैन में आती है जो यहीं से वैन आपको स्कूल पहुंचाती है और घर वापस लेकर जाती है अच्छा और आप क्या चाहती है बड़ा होकर बनना पुलिस पुलिस में जाना चाहती है आप भी तो चलिए देखो यहाँ पर बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा उन्हें मिल रही है तो शिक्षा जागरूकता के होने के नाते वो एक अपना अध्येय जो है वो भी निर्धारित कर रहे हैं कुछ बड़ा सोच वो भी यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं चलिए इनसे भी जानते हैं आप बताइए आपका क्या नाम है बोलिए मेरा नाम मोनू मैम अच्छा और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर मेरे को चार महीने हो गए चार महीने हुए हैं और यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगता है आपको खेलना पढ़ना अच्छा और यहाँ के टीचर्स कैसे है? अच्छे अच्छा पढ़ाते हैं आपको अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा और आपको बड़ा होके क्या बनना है मेरे को इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में जाना है अच्छा और क्यों सोचा ये ये फौजी को देखे <laughs> अच्छा तो चलिए लगातार हम यहाँ के बच्चों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना जो है इस आपी पाठशाला के माध्यम से उन्होंने अपना जो सपना है वो तय कर लिया है हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास काफ़ी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं आसपास जो लोग रहते हैं घुमंतू जाति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के हालात होते हैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं ऐसे में धर्मवीर जाखड़ जो कि कॉन्स्टेबल है उनकी एक सराहनीय पहल है और उन्हीं की वजह से आज कई सारे बच्चे जो है उन्हें पढ़ने का यहाँ पर मौका मिल रहा है और यहाँ के जो झुकी झोपड़ियों के बच्चे हैं आज उनकी शिक्षा की राह को जो आसान बनाया है वो है धर्मवीर जाकर और लगातार हम यहाँ पर भी ये सारी क्लासेज है और बताया जा रहा है कि लगभग पांचवी तक क्लासेज लगती है ढाई बच्चे जो यहाँ पर है वो पढ़ते हैं तो सर सबसे पहले टीचर से जानने की कोशिश करते हैं हम जी क्या नाम है आपका मेरा नाम सुरेश है जी

था उसका कोई दरवीर भाई साहब से जानकार था अच्छा। तो मेरे कब से पहले मन था कि यार पाँच जाके कभी पढ़ के आएंगे तो उन्हें बोला कि सुरेश जी आप जाओ वहाँ एक बार मास्टर की थोड़ी दिक्कत है चलो ठीक है मैं हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया और पढ़ाने लग गया तो इनकी पढ़ाई को उनको अच्छी लगी तो फिर मैं तब से यहीं हूँ तब से दो साल से पढ़ा रहा हूँ अच्छा और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई का माहौल दिया जाता है इनको पढ़ा करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि हमने जो जो कुछ भी सीखा है वो अपन अच्छे वे में मतलब सदुपयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है मैडम तो, कभी कभी बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो शिक्षा को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं होते उन्हें तो कैसे कन्विंस करने की आप कोशिश करते हैं ऐसे नहीं है कि आप हमें क्या दे रहे हो तो उनका मतलब पारिवारिक खर्चा भी क्या बढ़ता है कभी कभी हमें देना पड़ता है भाई साहब रणवीर भाई साहब उन्होंने देते हैं तो कि बच्चों को भेजते नहीं है उनको पता नहीं कि अपना बच्चा पढ़ लिख करके सक्सेस रहेगा आगे हमारा नाम रोशन करेगा तो क्योंकि इनको सिक्स नहीं है ना इसकी वजह से वो ऐसे बोलते हैं कि हमें आप क्या दे रहे हो इन बच्चों को आप ले जा रहे हो इनसे हम भीक मंगवाते दो रुपये तो हम बोलेंगे आपको हम कुछ देंगे और इन बच्चों को भेजो ताकि तो हम पढ़ाएंगे पाठशाला शुरू हुई आपको क्या बदलाव नजर आया क्या पेरेंट्स जागरूक हुए शिक्षा को लेकर क्या अब भी इन्हें भीख मांगने के लिए भेजा जाता है अब जो बच्चे लगभग दो साल से डेढ़ साल से जो कंटिन्यू आ रहे हैं वो बच्चे खुद ही मतलब भीख मांगना तो बिल्कुल बंद कर दिया भीक मांगने वाले बच्चा यहाँ जो पाँच साल में आ गया ना महीने भर रहा वो कभी बीख मांगने नहीं जा जाता वो बस वो पढ़ाई से कनेक्ट हो गया वो पढ़ाई करता है बस यहाँ आता है सुबह आ जाता है और शाम को हम उसको गाड़ी से लाते हैं गाड़ी से छोड़ के चले है। जाते हैं और नज़दीकी झुग्गी वाले पैदल आ जाते हैं बहुत शुक्रिया और लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की हालात से हमने आपको वाकिफ़ करवाया है यहाँ की परिस्थितियों से आपको वाकिफ़ करवाया है काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं और अभी ये बता भी रहे थे कि फ़र्स्ट क्लास में अस्सी बच्चे हैं और लगभग यहाँ पर बच्चों की बात करें तो ढाई बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं ये वो बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा का मौका न जाने किन हालातों की वजह से नहीं मिल पाया न जाने किन परिस्थितियों की वजह से नहीं मिल पाया और जैसा कि टीचर्स भी बता रहे हैं हमें कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है वो उन्हें भीख मांगने के लिए बाहर भेज देते हैं लेकिन धर्मवीर जाखड़ वो शख्सियत है जिन्होंने जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके हाथों में कलम थमा दी